नमस्कार विद्यार्थियों, धाकड़ कॉन्सेप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करता है। और पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। काफ़ी सारे बिंदु तो हमने डिस्कस कर लिए थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, इवन ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था। सिर्फ हमारा जो बाकी था पोर्शन हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो था कि जो वहाँ पर साइट्स का एक्सकेवेशन हुआ है, जो खुदाई हुई है टीलों की, उसमें स्पेसिफिक कोई जगह है तो उसके बारे में हम जान लें। बाकी हमने जो नगर कैसे थे, जैसे सिटाडेल था या निचला शहर था या उनकी बाउंड्री थी या वो ग्रामीण थी या कौन सी अर्थव्यवस्था थी, व्यापार वगैरह के बारे में हमने ये जाना है। बाकी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन वहाँ पर जो साइट्स की खुदाई हुई है वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मिली है उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसको हम साइट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे तीन चार साइट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर ये हड़प्पा सभ्यता वाला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हड़प्पा ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट साइट है और सबसे पहला स्थल भी है जिसको खोजा गया था। एक करेक्शन भी शायद मैं करना चाहूँगा, मैंने गलती से आपको हड़प्पा का खोज 1920 बता दिया था, वो लिखा हुआ 21 ही था, मेरे दिमाग में बार बार 20 चल रहा था। तो ये हड़प्पा की खोज है और ये मोहनजोदड़ो की खोज है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये दयाराम साहनी और ये है आपका आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो ये गलती से दिमाग में वही चल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने ऐसा पढ़ाया है तो मुझे लग रहा है 21 ही बताया था मैंने कल भी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा साइट्स के बारे में, और हड़प्पा साइट्स से हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जानते हैं। तो हड़प्पा मैंने बताया था रावी नदी के किनारे जो है लेफ्ट में स्थित है, और रावी नदी के लेफ्ट फ्लैंक पर स्थित है। हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनके बारे में देखिएगा। ये एक तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं कि ये सबसे पहली साइट है जो खोजी गई थी, फर्स्ट साइट है। 1921 में इसको खोजा था दयाराम साहनी और माधव स्वरूप दास वत्स। ये माधव स्वरूप वत्स जो है इनके सहयोगी थे। बाकी मैंने आपको बताया था कि जॉन मार्शल ने दो टीमें बनाई थी, एक आरडी बनर्जी के नेतृत्व में और एक दयाराम साहनी के नेतृत्व में। जॉन मार्शल कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्त ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को एक टीम हड़प्पा के लिए भेजा था, एक मोहनजोदड़ो के लिए भेजा था। ये लेफ्ट बैंक ऑफ रावी है, रावी के जो है बैंक का मतलब किनारा है, रावी के लेफ्ट साइड में है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है ग्रेनरी। ग्रेनरी को हम हिंदी में बोलते हैं अन्नानागार। क्या बोलते हैं? अन्नानागार, यानी अनाज को रखने के लिए गोदाम या जगह, उसको अन्नानागार बोलते हैं। वैसे तो अन्नानागार जो है हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है और कई सारी जगह से मिलता है, लेकिन जो साइज में मिलता है वो साइज जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े साइज में मिला है। ये हड़प्पा में तो एक तरीके से कहेंगे कि सिंगल फॉर्मेट में मिला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 12 अन्नानागार मिले हैं जो आमने सामने इस तरीके से सेटल्ड हैं। अगर आप ऐसे देखें तो इस तरीके से ये अन्नानागार ऐसे बने हुए हैं, ऐसे 6 ऐसे और सामने 6 ऐसे, और बीच में इनके पैसेज हैं। तो ये 6 नहीं है, 5 ही हुए, ये 6 ऐसे ऐसे इनको अनाज रखने के बीच में पैसेज है, ऐसा अनाज रखने का अन्नानागार यहाँ से मिला है। देखिए मैंने ये भी लिखा है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 15.24 और 6.10 का इनका लेंथ और विड्थ का रेशियो है एक का। तो इस तरीके से बहुत हजार मीटर स्क्वायर का एरिया हो जाता है इनका। अरेंज सिस्टमेटिकली इन टू रो, ये मैंने बताया 6 इन ईच रो विद सेंट्रल पैसेज, बीच में जो 7 मीटर का इनका पैसेज है वाइड। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, बट इट वॉज आउटसाइड द सिटाडेल। ये जो था ये सिटाडेल के आउटसाइड था। सिटाडेल के आउटसाइड का क्या मतलब है? सिटाडेल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिटाडेल का मतलब है कि जो एक तरीके से दुर्गीकृत ऊंची जगह थी उसको सिटाडेल बोलते थे, है ना। तो ये सिटाडेल के बाहर है, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नानागार पाया गया है वो सिटाडेल के अंदर पाया गया है। जो दुर्गीकृत या ऊंचा शहर है, राजाओं का जो किला टाइप टापू बनाया गया था, उसके अंदर है मोहनजोदड़ो में, ये यहाँ से बाहर है। ये लिखा भी अपोजिट टू मोहनजोदड़ो। यहाँ पर और क्या मिला है? 16 फर्नेसेस मिले हैं, यानी आप कहेंगे उसको भट्टियां टाइप मिली है, जहां पे गलाकर धातुओं को शेप वगैरह दिया जाए कुछ भी। और उन्हीं भट्टियों के पास में 10 वर्कमैन्स क्वार्टर मिले, यानी वर्करों के क्वार्टर मिले, वो वहीं पर रहते थे, वहीं पर काम करते थे। ये सारी चीजें मिली है। एक उर्वरा की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिली है। उर्वरा की मूर्ति या स्टेच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी मातृशक्ति की पूजा करते थे, तो इस तरीके से मूर्ति मिली। अब ये हम कह रहे हैं
उनकी नजर में वो क्या था पता नहीं, लेकिन उर्वरा की मूर्ति हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा है क्योंकि उनके गर्भ से या पेट से जो है पेड़ निकला हुआ ऐसा दिखाया गया है। तो उर्वरा का संकेत है कि पेड़ निकलते हैं, बड़े होते हैं इस तरीके से। और साइन ऑफ स्वास्तिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे स्वास्तिक का साइन जो है इस तरीके से होता है, तो ये साइन ऑफ स्वास्तिक जो है यहां से मिला है, साइन ऑफ स्वास्तिक। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये हड़प्पा के बारे में इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से हमें दूसरों के बारे में भी जानना है, दो चार साइट है वो कर लेते हैं, तो सारा हमारा चैप्टर हड़प्पा वाला खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा हो सकता है शॉर्ट हो, लेकिन इसके बाद में हमें वैदिक सभ्यता पढ़ना है और वैदिक सभ्यता में काफी सारी चीजें हैं। तो चलिए नेक्स्ट की बात करें। ये मैंने एक पिक्चर लिया है ताकि थोड़ा आपको पता रहे। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए ये जो है इस तरीके से अन्नानागार बना हुआ, ये एक है, ये दो है, इस तरीके से तीन चार पांच छह, और छह इधर है, छह इधर है, और बीच में पैसेज बनाया गया है। तो ये देखिए ये जाने आने का रास्ता और ये सारा है। अगर आपको कहीं मौका मिले तो जरूर इन साइट्स को विजिट करिएगा। और यहाँ से जो है चावल वगैरह के और गेहूं के टुकड़े भी जो है यहाँ से मिले हैं, इनके अंदर जो रहे थे, तो ये अन्नानागार का पिक्चर में लेके आया हूँ। एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मिली है वो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, या आपने अगर मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें भी थोड़ा मैं ये ऐसे कर देता हूँ। ये यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न सील का मतलब ये है कि एक सिंग वाला ये पशु है, गेंडा ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ और हो सकता है, एक सिंग वाला पशु है, वन हॉर्न्ड सील बोलते हैं इसको, वन हॉर्न्ड सील यानी एक श्रृंगी पशु की सील, ये मिली है वहां से। और वैसे तो सबसे ज्यादा सीलें अगर आपको बोला जाए, मोहरे, सील का मतलब क्या होता है, मोहर, सील का मतलब क्या होता है, मोहर। जैसे आज आपको कोई बोलता है ना कि कॉपी अटेस्टेड करके ले आइए, अटेस्टेड करने में वाला व्यक्ति क्या करता है, अपना साइन करता है और सील लगाता है ताकि उससे प्रमाणिकता रहती है। वैसे ही वहां पर मुद्राएं तो नहीं चलती थी, लेकिन सील चलती थी, उससे प्रमाणिकता रहती थी। राजा के लिए कोई आदेश की सील, अंदर जाने के लिए सील, बाहर कोई व्यापार करने के लिए आपके पास अगर प्रमाणिकता है तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो सबसे ज्यादा मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन एक श्रृंगी पशु या वन हॉर्न्ड की जो सीलें हैं, यूनिकॉर्न सील जो है, वो सबसे ज्यादा आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो ये आप देख रहे होंगे एक सिंग है इसका, इस तरीके से ऐसे करके एक सिंग ये बनाया हुआ है, और ये पशु है। और ये मैंने आपको बताया था पिक्टोग्राफिक लिपि है, अब ये क्या लिखा हुआ है हम इसको पढ़ नहीं पाए अभी तक। अब देखिए ये ऐसा सिंबल है और ये ऐसा सिंबल है, इसमें ये दो रख रखे हैं जबकि इसमें एक ही है। अब ये ऐसा क्या है पता नहीं, ये क्या है ये पता नहीं, अब ये सेम यहाँ पर रिपीट हुआ है देखिए। तो इस तरीके से सिंबल्स का क्या मीनिंग है, क्या ये कहना चाह रहे थे, कुछ भी पता नहीं, इसको हम डेसिफर नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए ये और चीजें यहां से मिली हड़प्पा से, हड़प्पा से क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है, ये जो है एक शंख है, और शंख से इसको जो है बनाया गया है, ऐसी आकृति बनाई गई है। अब इसको हम मान सकते हैं ये बेल रहे होंगे, तो जैसे हम मान सकते हैं ऐसा, ये प्राचीन पुरावेत्ता जो है उससे अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। और ये गाड़ी है, और इसके पहिए जो है ना ये ताम्र के हैं, तांबे के ठोस पहिए हैं। और ये देखिए व्यक्ति है, गाड़ी का चित्र है, इस तरीके से बनाया गया है। तो ये कुछ आकृतियां हम देखने से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है, इसलिए मैं लेके आया था ताकि आपको पता भी लगे कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको देखकर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यही रहा होगा या यही हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। हड़प्पा के बाद में जो सबसे मेजर साइट है और सबसे जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड, माउंट का मतलब होता है टीला, है ना, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का एक्चुअली मीनिंग होता है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ऑन द राइट बैंक ऑफ सिंधु, ये जो है सिंधु के राइट बैंक पर है। ठीक है, यहां पर लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, अगर आपने हड़प्पा का नहीं लिखा है तो यहां पर लिख लीजिएगा, ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। कौन से है ये, यहां पर नहीं लिखा है, ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोंटगोमरी ये पाकिस्तान में है और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये इनकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ दो है, एक तो ग्रेनरी है, ये तो है ही, अन्नानागार तो मैंने अभी को आपको बताया, लेकिन इसकी साइज देखिए आप, 45.71 15.3, इतना बड़ा एक विशाल अन्नानागार है। उसकी साइज थोड़ा कम थी, 15x6 ही था वो, 15 point something और 6 point something, तो ये बड़ा अन्नानागार मिलता है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में आता है, कई बार जो है SSC पूछती है। पब्लिक प्लेस यहाँ पर क्या मिला है, तो देखिए ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ की साइज आप देखिए, ये लेंथ विड्थ और हाइट है, इतना जो है ऊंचा स्नानागार मिला है। स्नानागार को ग्रेट बाथ हम बोलते हैं, जहां पे कुछ रिचुअल्स वगैरह अगर करने होते थे तो सारे लोगों को एक साथ शुद्धि या पवित्रता के लिए उसमें स्नान किया जाता था। उसमें इस तरीके से मिला है कि वो अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां वगैरह भी हैं उसमें, तो ये सारी चीजें वहां से मिली है।
शायद उसका मैं पिक्चर लेके आया हूँ, पता नहीं, देखते हैं। और द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नर्तकी जो है, एक नर्तकी है, डांसिंग गर्ल है, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई, आप सोचिए, इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। इसलिए नहीं कि ये बनी हुई, कि यहाँ पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल काफी अच्छे से हुआ था, यानी कांसा, कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए बोला जाता है कि कांसे का उपयोग काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाता था। कांसे से इन्होंने इतनी सुंदर जो है मूर्ति भी बनाई हुई है। और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ, देखिए, नटराज टाइप की वो मूर्ति आप मान सकते हैं, लेकिन नटराज नहीं है वो, कंसिडर्ड अ मास्टरपीस, 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, इस मेड बाय लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। अब ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में, एंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा अन्नानागार कहाँ मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। लेकिन 6 अलग अलग पीसेस में आमने सामने 12 के रूप में अन्नानागार कहाँ मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा में, लेकिन वो सिटाडेल के बाहर है और बाकी जो है सिटाडेल के अंदर है। दूसरा, यहाँ पर ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। तो देखिए, क्वेश्चन तो एक ही आना है हड़प्पा से। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा कौन सा वो अंदर चला जाएगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कंफ्यूज हो गए। मैं बहुत ही क्रिस्पी वे में आपको बता रहा हूँ, कि क्रक्स बता रहा हूँ आपको, कि ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक डांसिंग गर्ल का मैंने बताया, एक प्रिस्ट किंग है। प्रिस्ट किंग का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि वो राजा है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो साधु टाइप राजा हो सकता है, या पुजारी उजारी हो सकता है, या हो सकता है कि उस समय पुजारी ही राजा हुआ करते थे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी फोटो बताते हैं आपको। एक मेल डाइटी मिली है, 3 हेड है उसके, यानी एक पुरुष देवता मिला है जिसके 3 सिर है, और 3 सिर एंड 1 हॉर्न इन अ सिटिंग पोजीशन ऑफ योगी, मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये जो है हमको बुल भी मिला है यहाँ पर, हम बुल यानी कुबड़ वाला सांड का भी पिक्चर मिला है। और ये जो योगी मैं बता रहा हूँ ना, मोहनजोदड़ो से मिला, इसको पाशुपत की संज्ञा दी गई है कि ये 3 सिर वाले भगवान पशुपति या शिव जी की मूर्ति हो सकती है। अब ये किसकी है, क्या है, या तो हड़प्पा वाले आके बताएं हमें, या फिर हम उनके पास आड़े सफर कर लें तो हो जाए, ठीक है। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें ना सोचिए, कितने रहस्य दबे हुए हैं इतिहास के पन्नों में, जो अभी तक भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं। एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो हमसे ज्यादा उन्नत तरीके से उस समय काम कर रही थी, क्योंकि 4000 साल पहले उन्होंने सिटी प्लानिंग कितने सही तरीके से की थी, बिना मुद्रा के भी उनका काम कितने अच्छे से चल रहा था, हर चीज के लिए उन्होंने सील वगैरह बना रखी थी कि किस तरीके से करना है, विदेशों से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया वगैरह से व्यापार वो करते थे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम था, लोथल वगैरह ऐसे डॉकयार्ड मिले वहां पर, तो हम आगे पढ़ेंगे उसमें। तो ये मोहनजोदड़ो से स्पेसिफिकली है। तो प्रिस्ट किंग, एक बार और बता देता हूँ, ये 3 सिर वाला पाशुपत की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक वहां पर अन्नानागार है, एक स्नानागार है, इस तरीके से मिला है, ठीक है। देखिए, ये जो है पशुपति, भगवान पशुपति, अब आपको देखने से लग रहा होगा इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये जो है ये टूटी हुई है, ये सिर है, देखिए ये जो है इनका सिर है, और इधर ये निकले हुए हैं, ये ना, ये इधर, और ये ऊपर ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऐसा, और ये जो है अलग अलग जो है सिंबल्स बना रखे हैं। तो ये भगवान पाशुपति ऐसा बोलेंगे कि ये शिव जी या योगी की मुद्रा है। अब देखिए, ये प्रिस्ट किंग की अगर मैं बात कर रहा था, तो ये प्रिस्ट किंग है। अब देखिए, ये ऐसा ही लग रहा है कि साधु है, तो ये राजा की है। इसके देखिए, ये जो कलाकारी की गई है 4000 साल पहले, जो है इसके वस्त्र देखिए आप, वस्त्रों पर भी जो है इस तरीके से बेल बूटा टाइप ऐसा कुछ बनाया है। तो ये है, और ये है आपकी लॉस्ट वैक्स कोस्ट टेक्निक से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। अब आपको लग रहा होगा, सर ये क्या है, ये ऐसे अच्छा तो बन जाता है, लेकिन ये 4000 साल पहले की टेक्निक है। और टेक्निक कैसे बनाई, देखिए, लॉस्ट कोस्ट वैक्स टेक्निक क्या है वो समझिएगा, लुप्त मोम तकनीक उसको बोलते हैं। लुप्त मोम तकनीक में क्या होता है कि एक वैक्स में सांचा बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, चूंकि मोम को हम मोल्ड कर सकते हैं, आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। सपोज मेरा पिक्चर बनाना है, नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर बनाया मोम का, मैडम तुसाद आपने सुना होगा, मैडम तुसाद में क्या करते हैं, मोम की प्रतिमाएं लगाते हैं। तो मोम की प्रतिमा को अगर किसी भी को भी आप कैसे भी मोल्ड करना चाहें, तो मोम को आसानी से मोल्ड कर सकते हैं आप। अब आपने क्या किया, एक प्रारूप बना दिया मोम का। उस मोम के प्रारूप को बनाने के बाद में आपको लगा कि हाँ ये वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें बनाना है, तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जनरली जनरल केसेस में दूसरी चीजें भी आप कर सकते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप या इस तरीके से किया जाता है, जैसे घड़े वगैरह बनाते हो ना आप, तो उस मोम के ऊपर ही वो सारी चीजें कर दी जाती है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, आग में पकाया जाता है। अब आग में पकाएंगे तो देखिए मिट्टी तो पक जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो है मोम बाहर निकल जाएगा, मोम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मोम उसमें एक छोटा सा छेद वगैरह रखते थे, तो उससे मोम बाहर निकल जाएगा, जबकि मिट्टी पक जाएगी, क्योंकि आपने जब मोम के ऊपर मिट्टी लगा के उसको सुखाया था तो मिट्टी तो टाइट हो गई थी।
और फिर जब आपने उसको पकाया तो मिट्टी तो पक गई, टेराकोटा हो गया वो, और उसमें से मोम निकल गया। तो ये तो बना आपका एक संचा बन गया। अब संचा बनने के बाद में जब आपका मोम वहां से निकल गया और आपका एक संचा बन गया जिसका भी आप बनाना चाह रहे थे, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो छिद्र आपने रखा है जहां से मोम बाहर निकला था, उसी छिद्र से आप क्या करेंगे, उसमें मेटल डाल देंगे। अब जब आप मेटल डालेंगे, गरम गरम मेटल, उसमें पिघला के मेटल डालेंगे, और बाद में जब वो मेटल ठंडी हो जाएगी तो आपने जो ऊपर मिट्टी वगैरह का संचा है, टेराकोटा जो बन गया है, वो पकी हुई मिट्टी है, उसको आप तोड़ देंगे, तो अंदर मेटल जो है सख्त हो चुकी होगी। इसको बोलते हैं लॉस्ट कॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से नर्तकी की मूर्ति जो है इस तरीके से बनाई गई है। और क्या है यहाँ पर, और क्या है, बस इतना ही। मैंने एक नानागार का, वो नानागार का मैं फोटो नहीं ले पाया, तो चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी। एक चंदूहारो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ सिंधु है। 1931 में इसकी खोज की गई थी अर्नेस मैके और एन गोपाल मजुमदार ने। वैसे किसने किसकी खोज की है, मैंने एक टेबल आपको बता दी थी, वहां से आप देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रसाधन के सामान मिले हैं, कंगा, कॉम्ब, लिपस्टिक, पाउडर, बीड मेकिंग, मनका बनाने वाले का कारखाना, और ये सारी चीजें यहाँ से मिली है। प्रसाधन के सामान यानी सौंदर्य बढ़ाने के सामान है, कंगा है, लिपस्टिक है, पाउडर है, पाउडर भी मिला है, बीड मेकिंग यानी मनके बनते थे जिनको श्रृंगार में यूज किया जा सकता था, वो भी बनते थे। ठीक है, और ये क्या है, मैंने बताया कि फोर्टिफाइड है बट चंदूहाड़ो इज नॉट, यानी कि सभी शहर तो दुर्गीकृत है। मैंने आपको बताया था कि एक सिटाडेल है, ऊपरी शहर है जहां पर जो है बाउंड्री है, और ये जो है जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये सिटाडेल है मान लीजिए, और ये निचला शहर है, ऐसे तो दुर्गीकृत है, लेकिन ये चंदूहाड़ो जो है दुर्गीकृत नहीं है, फोर्टिफाइड नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। तो ऐसा बोला, ऐसा माना गया होगा कि ये कमर्शियल बिजनेस की जगह रही होगी जहाँ पर राजा वगैरह नहीं रहते होंगे, कॉलोनी ऐसी रही होगी जहाँ पर दुर्गीकृत करने की जरूरत नहीं। तो चंदूहाड़ो जो है दुर्गीकृत नहीं है, फोर्टिफाइड नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब सारी जगह दुर्गीकृत है, सारी जगह फोर्टिफाइड है, तो कौन सा ऐसा शहर है जो दुर्गीकृत नहीं है, तो चंदूहाड़ो का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर के बारे में तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सिचुएटेड इन पाक, ये पाकिस्तान में स्थित है और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी कोना है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और ये किस रिवर के किनारे है, दाश्त रिवर के किनारे, दाश्त रिवर के किनारे जो है बसा हुआ है। और इसकी खोज जो है 1927 में ही हो गई थी, 1927 में इसकी खोज हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ये कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपके राजस्थान में स्थित है, इवन वर्ल्ड में फेमस है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है, तो काले रंग की चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई है इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। 1953 में इसकी खोज हुई थी, बीबी लाल और बी के थापर, ये दो लोग थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, हनुमानगढ़, और ऑन द बैंक ऑफ गग्गर, गग्गर रिवर के बैंक पर स्थित है, गग्गर नदी है। ये क्या है, यहां से देखिए जूते हुए हल के निशान मिले, जूता हुआ हल, जूते हुए हल यानी जमीन को जो है जोतने वाला जो हल है उसके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का मतलब ब्लैक बंगल्स होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अर्थक्वेक के प्रमाण भी मिले हैं कि भूकंप आया होगा, उससे जो नुकसान हुआ है, उससे जो दिक्कत हुई है, उससे जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। एक अग्निकुंड यानी कि अग्निवेदिका मिली है जहां पर हवन वगैरह हो सकता है, वो लोग करते होंगे या कुछ ऐसा करते होंगे, अग्निकुंड मिला है। कपल इन्यूमिनेशन, कपल इन्यूमिनेशन का मतलब है युग्म शवाधान, यानी युग्म शवाधान का मतलब है हस्बैंड वाइफ दोनों का एक साथ शव जो है बरियल किया हुआ, यहां से मिला है। और बोथ ईस्ट एंड वेस्ट रेसिडेंस वर फोर्टिफाइड, यहां पर क्या है, ये जो है ये बोल रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह जो है वो फोर्टिफाइड थी। जनरली क्या है, दुर्ग फोर्टिफाइड था, लेकिन दुर्ग की बजाय यहां पर जो है दोनों ही फोर्टिफाइड थे। जो निचला शहर था वो भी दुर्गीकृत था, ऊपरा शहर था वो भी दुर्गीकृत था, जबकि सारे जगह पर क्या है, ऊपरा शहर जो है दुर्गीकृत है। चंदूहाड़ो में दोनों ही नहीं है, यहां दोनों ही दुर्गीकृत है, तो चंदूहाड़ो का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये कालीबंगा है आपके राजस्थान में स्थित। लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में साइट है, और ये एक डॉकयार्ड है, यानी कि इसको एक बंदरगाह की तरह काम लेते थे जहां से व्यापार होता था। तो सोचिए 4-5 हज़ार साल पहले जो है लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, उस समय भी हमारी इकोनॉमी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि हड़प्पा वाले संस्कृति ने कभी भी युद्ध लड़ने में विश्वास नहीं किया कि इससे लड़े, उसको जीत लिया, इसको जीत लिया। ये कल्चर बाद में आया जब आर्य भारत में आया, वैदिक कल्चर बाद में आया। इनका तो मेन काम था व्यापार करना, आर्थिक उन्नति करना। और आप देखिए कहीं ना कहीं भविष्य में ये सारी चीजें आज हो रही है कि विश्व भी आज जो है आर्थिक उन्नति की तरफ है।
चाइना आप देख लीजिए, चाइना प्रॉस्पर क्यों है? क्योंकि आर्थिक उन्नति है। कई सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं या झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन है। तो हड़प्पा वालों का भी उस समय मेसोपोटामिया वालों से, इजिप्शियन जो कल्चर थे उनसे आर्थिक रिलेशन थे, आपस में भी इनके बीच में जितने भी शहर हैं उनके बीच में आर्थिक रिलेशन अच्छे थे। तो लोथल की खोज 1955 में रघुनाथ राव ने की, गुजरात से मिला है। भोगवा रिवर जो है ना, भोगवा रिवर के किनारे जो है इसको पाया गया है। डॉकयार्ड है, ये मैंने बताया आपको। राइस का यहाँ से प्रूफ मिला है, और यहाँ से टेराकोटा फिग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि टेराकोटा फिग्रीन। मैंने बताया टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मूर्तियां, मूर्ण मूर्तियां इसको बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में, मूर्ण मूर्तियां। ये मूर्ण मूर्तियों का मतलब होता है कि एक तो आप, जैसे मैंने ईंटों के बारे में बताया था कि आप मिट्टी की ईंटें बना लीजिए और मिट्टी की ईंटों को सुखा दीजिए तो वो भी काम करेगी, लेकिन मिट्टी की ईंटों को आपने बनाया और उनको आग में पका दीजिए तो जो आग में पकी हुई कलाकृतियां होती हैं उनको टेराकोटा फिग्रीन बोलते हैं। और हॉर्स की टेराकोटा फिग्रीन मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली इस घोड़े से परिचित तो थी लेकिन अश्व केंद्रित नहीं थी, हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी। उस समय घोड़े का इतना महत्व नहीं था। घोड़े का महत्व आया जब आर्य भारत में आया, और कहते हैं कि जब वैदिक सभ्यता बनी तो वैदिक सभ्यता में आर्य इसलिए डोमिनेट कर पाए क्योंकि उनके पास घोड़ा था जिसकी गति बहुत तेज थी। तो आपने देखा होगा महाभारत जो है इम्पोर्टेंट, महाभारत में तो सारे घोड़े का ही रोल है ना, वहां पर रथ वगैरह जो है घोड़े ही खाक रहे। फिर ये एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड या उनका इतना दिमाग था कि अभी जो आप देखते हैं कि एक रोड जा रहा है और रोड के चारों तरफ मकान बने हुए हैं, इस रोड के मकान बने हुए तो सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा मकान जो है मेन रोड पे हो, ऐसे है ना, ऐसे हो। लेकिन उस समय हड़प्पा के सभी शहरों में मकान इस तरीके से नहीं होते थे, केवल ये लोथल में ऐसा मिला है। बाकी हड़प्पा के उस समय जो मकान हुआ करते थे, जैसे ये रोड है मान लीजिए, तो इनके मकान का घर पीछे की साइड में ऐसे, इनका जो दरवाजा था वो इस तरीके से दरवाजा, इस तरीके से इधर दरवाजा था। सोचिए नॉइस पोल्यूशन की आज हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, धूल धुएं की प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि किसी का मकान मेन रोड पे होता है, उसकी वैल्यू हो सकती है लेकिन आप रहने के लिए काम कर रहे हैं तो रहना तो रोड पे तो क्या जी नहीं पाएंगे ना। तो उस समय इन्होंने इतना दिमाग लगाया कि आपके जो डोर ओपनिंग है, घर का जो दरवाजा खुला हुआ है, वो दरवाजा मेन रोड पे न खुले, ये पीछे की साइड खुले। लेकिन यहाँ लोथल में ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाणिज्यिक शहर था, तो हो सकता है यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है। फिर देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। एक तो हॉर्स के जो वहां से तो टेराकोटा फिगरीन मिली है मैंने बताया अभी, लेकिन घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले वो है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, ये सुरकोतड़ा जो है यहां से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। और धोलावीरा क्या है, मैंने आपको बताया कि सिटीज जो है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले में विभाजित थी, ये नगर था और ये दुर्ग था, ये इस तरीके से विभाजित है। लेकिन यहाँ धोलावीरा में क्या है, धोलावीरा एक साइट है गुजरात में, यहाँ पर ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक दुर्गीकृत है, एक लोअर है और एक मिडिल, बीच में भी जो है एक छोटा सा ये नगरी नगर नगर बसा हुआ है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, धोलावीरा का जो शहर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जनरली ऐसा नहीं था दूसरी जगह, लोअर टाउन, मिडिल पार्ट और सिटाडेल, ये तीन जगह में है। और एक देखिए बनवाली जो है ये जगह है, यहाँ से टेराकोटा फ्लग यानी हल का एक मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, यानी हल का टेराकोटा मिलने का मतलब ये है कि मिट्टी का हल बनाया और उसको पका दिया, तो टेराकोटा प्लग जो है यहाँ से मिला है। तो बनवाली, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है सारी। इस तरीके से हमारा एक हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफी सारी चीजें पता लगी होगी, और जितनी चीजें मैंने बताई है, देखिए प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि वो कई सारे सोर्सेज से कई सारी चीजें पढ़ता है, लेकिन वो जितनी पढ़ता है सब कुछ भूल जाता है क्योंकि वो सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। एक ही रास्ते पे बार बार जाइए और हर बार अलग रास्ता लीजिए, सोचिए आपको सबसे अच्छी चीजें कहाँ याद रहेंगी जब एक ही रास्ते से बार बार जाएंगे, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है, कहाँ स्पीड तेज करनी है। उसी तरीके से अगर आप एक ही सोर्स बार बार पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये वीडियो आपका सोर्स हो, कोई अगर टेक्स्ट बुक भी है तो वो एक ही बार पढ़िए, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। तो मैंने जो बताया मुझे लगता है कि एसएससी रेलवे वगैरह एग्जाम के लिए तो मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी आपका नहीं आना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वैदिक सभ्यता के उसमें मिलेंगे।